हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ स्पीक्स और मैं आपके लिए लेके आ गया ताश के पत्ते। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, बिगिनर्स के लिए कार्ड्स को पहचानना सीखे, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे आपको दिख जाएगा लाल रंग में, उसको दबाइए। उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको एक गेम तीन पत्ती के बारे में बताया जाए। तीन पत्ती हमारे इंडिया का ही गेम है, बहुत फेमस और अक्सर आप देखते होंगे लोगों को खेलते हुए। तीन तीन पत्तों का गेम। गेम शुरू करूं, गेम के रूल्स पहले बता लेता हूं, जान लीजिए। शुरुआत में आपको पत्तों की सीक्वेंस से बताता हूं कि कौन से पत्ते बड़े होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पत्ते बताए थे, तीन पत्ती में जो सबसे बड़ी सीक्वेंस होती है वो होती ट्रेल की। ट्रेल यानी एक ही क्रम के पत्ते अलग अलग सूट से, जैसे 3 इक्के, इसको ट्रेल कहते हैं। सबसे बड़ी ट्रेल 3 इक्कों की होती है और सबसे छोटी ट्रेल 3 दुक्की ड्यूस, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है प्योर सीक्वेंस, जैसे यहां पर आप देखिए स्पेड का, इक्का, बादशाह, बेगम, ये प्योर सीक्वेंस सबसे बड़ी होगी। लेकिन ट्रेल से नीचे, ट्रेल बड़ा है उससे नीचे प्योर सीक्वेंस, और प्योर सीक्वेंस में सबसे छोटी सीक्वेंस आपको मिलेगी 2 3 4, दुक्की तिक्की चौवा। यहां ये जान लीजिए, अगर आपके पास ट्रेल है दुक्की दुक्की की और इक्का बादशाह बेगम, तो ये ट्रेल दुखी की ट्रेल इससे बड़ी है, दुखी की ट्रेल इक्का बादशाह बेगम से बड़ी है। नंबर दो पर ही आ गया। नंबर तीन पर आइए, स्ट्रेट सीक्वेंस। सीक्वेंस तो है लेकिन एक ही स्वीट से नहीं हो। यहां देखिए पान का बादशाह, चिड़ी की बेगम, ईट का गुलाम, तो हमारी सीक्वेंस आप समझ गए होंगे, ट्रेल, प्योर सीक्वेंस, स्ट्रेट सीक्वेंस, और इसमें सबसे छोटी सीक्वेंस बनेगी आपकी 4 3 2। इसके बाद कलर, सीक्वेंस भी नहीं है लेकिन एक ही तरह के कार्ड्स हैं, तो ये कलर हो गए, जैसे चिड़ी का कलर, ईट का कलर। इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा पत्ता पड़ा है, जैसे इन दोनों में, इन दो सेट्स में ये बादशाह वाला पत्ता पड़ा है, तो अगर ये दो लोग खेल रहे हैं तो ये विनर होगा। और इसके बाद आता है पेयर। तीन पत्तों में कोई भी दो पत्ते बराबर रंग के हैं तो ये पेयर हो गए। इसमें इस पत्तों में 7 का पेयर है और इन तीन पत्तों में 6 का पेयर है ना। तो इस 6 में तीसरा पत्ता हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। यहां पर बड़ा पत्ता जो तीसरा पत्ता है वो सिर्फ पंजा है और यहां पर बादशाह, तो ये विनर है। और लास्ट जब कोई भी पत्ता कॉमन नहीं है, इसमें से ऊपर में से कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही, कोई कलर नहीं बन रहा, तो नॉर्मल पत्ते जैसे हम लोग खेलते हैं उस तरह से खेलेंगे। सीक्वेंस एक बार फिर देख लीजिए, सबसे ऊपर ट्रेल, ट्रेल के बाद प्योर सीक्वेंस, स्ट्रेट सीक्वेंस, कलर, कलर के बाद पेयर, पेयर के बाद नॉर्मल कार्ड्स। इसके बाद मैं आपको खेलने के रूल्स बताता हूँ। अब खेलने का प्रोसेस देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 2 3, तीनों को तीन तीन पत्ते बांट दिए गए। अब बांटने के बाद चाल का डिसाइड करते हैं, ये क्लॉक वाइज चलते हैं, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए 3 बंदों में कोई फर्स्ट, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं खेलना शुरू करता हूँ, तो ये चाल बताएंगे। इन्होंने कहा 50 की चाल या 100 की चाल, 100 में ये चाल का हाफ यानी
50 रखेंगे यहाँ पर, 50 पॉइंट जो होंगे वो यहाँ पर रखेंगे, वेदर इट इज पॉइंट्स और रुपीज व्हाट एवर इट इज यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर दो, इनकी बारी आएगी। ये दो तरह से खेल सकते हैं, शो कर सकते हैं, उठा के कार्ड्स देख सकते हैं, या ब्लाइंड खेल सकते हैं। अगर ये ब्लाइंड खेलेंगे तो जो अमाउंट पहले वालों ने रखा था, जो पॉइंट रखे थे, उसका हाफ रख सकते हैं या उसके बराबर रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने शो कर लिया, उसके बाद इनके इक्विवेलेंट ही रखना होगा इनको, या उसका डबल कर सकते हैं। और यही मेरे साथ भी, मतलब तीसरे प्लेयर के साथ भी होगा। और सपोज करिए मैंने अपने कार्ड्स देख भी लिए, मैंने लगा दिए, और उसके साथ मैंने यहाँ पर इनका डबल लगा, मतलब 100 रुपीज़ रख दिया। अब कोई भी प्लेयर 100 से नीचे नहीं रखेगा, ब्लाइंड खेलने वाला भी मिनिमम 100 ही रखेगा, और उसको बढ़ा सकते हैं, ये 200 कर सकते हैं। तो जितनी चाल बढ़ती जाएगी उस तरह से गेम बढ़ेगा। अगर इनको लगता है पत्ते अच्छे नहीं है तो ये पैक कर सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कहा शो, इनको लगता है मेरे पत्ते अच्छे हैं, मैं दूसरे से शो करवा लेता हूँ, तो शो करवाने से पहले इनको अपने यहाँ पर पॉइंट से अमाउंट रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल गेम है, खेलिए, समझिए, ना समझ में आए फिर से बताइए। और बेसिकली मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बताया है पूरा सीक्वेंस और प्रोसेस, आसान है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, हाउ टू प्ले कार्ड्स फॉर बिगिनर्स 1। दिस इज माय सेकंड वीडियो, इसमें 3 पत्ती आप खेलना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा टाइम पास होगा, अकेले में बोर भी नहीं होंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।